नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं आपके साथ विनीत राय आज बात करूंगा शनि देव के प्रकोप से मुक्त हुई चार राशियों के बारे में जिनको अपार धन और कैरियर में सफलता मिलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे गुस्सैल देवता माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये किसी व्यक्ति से बिगड़ जाएं, यानी कि नाराज हो जाएं, तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां पैदा होने लगती हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर शनिदेव किसी व्यक्ति के ऊपर खुश हो जाएं, तो उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल जाता है और उस व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक सफलता मिलती है और वो अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत करता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार आज हम आपको उन राशियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो शनिदेव के प्रकोप से मुक्त हो गई हैं। आज से इन राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। इनको अपार धन लाभ की प्राप्ति होगी और ये अपने कैरियर में ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वो चार राशियां जो शनिदेव के प्रकोप से मुक्त हुई हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों को शनिदेव की कृपा से शेयर मार्केट से इच्छा अनुसार लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपके द्वारा की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आपकी कोई बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आप घर के लिए कीमती चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को शनि देव की कृपा से आने वाले समय में इनका रुका हुआ धन वापस मिलने का योग बन रहा है। इस राशि वाले व्यक्तियों के आय में वृद्धि होगी और जो लोग कारोबारी हैं उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक चिंता दूर होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता की ओर बढ़ेंगे। तीसरा, कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को शनिदेव की कृपा से व्यापार में उन्नति प्राप्त होने वाली है। आपको अचानक आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में नई तकनीकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मुनाफा बढ़ेगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। चौथा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को शनि देव की कृपा से लाभ के बहुत से मौके हाथ लग सकते हैं। आप इन मौकों को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल बहुत ही जल्दी मिलेगा, यानी कि आपने पहले में जो भी मेहनत कर रखा है उसका फल अब बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई भी जोखिम भरा कार्य उठाने का साहस भी कर सकते हैं। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। पुराने निवेश से आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। ये थी वो चार खुशनसीब राशियां जो शनिदेव के प्रकोप से मुक्त हुई हैं और इनको अपार धन और कैरियर में सफलता भी मिलने वाली है। यहां तक कि इनका आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को
आने वाले समय में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ावा देने से बचना होगा और आपको संभल कर भी रहना होगा। आप अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखें। आपके कुछ जरूरी कार्य देरी से हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए और ना ही किसी व्यक्ति के बहकावे में आइए। परिवार के किसी भी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अधिक धन खर्च होगा और आपका कारोबार ठीक चलेगा। आपके मन में चिंता और तनाव भी बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में कानूनी अड़चनों से दूर रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो सोच समझकर ही वहां निवेश करें, कोई कदम बढ़ाएं और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की खास जरूरत है। आप अपने किसी रिश्तेदार से मुलाकात भी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यात्रा के दौरान दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। धन के लेन देन में खासा सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखिए। आपके किसी बने बनाए कार्य में बाधा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से चिंता और तनाव बना रहेगा। आप फिजूल की बातों पर ध्यान मत दीजिए और जरूरत से ज्यादा खर्च भी आपका हो सकता है, इसलिए आप अपने खर्च पर कंट्रोल करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। जो भी व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है, उनके लिए आने वाला समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में आपका थोड़ा मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन आप कोई भी जोखिम भरा कार्य अपने हाथ में मत लीजिए। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके मन में अजीब सी बेचैनी लगी रहेगी। आप अपने काम धंधे में अधिक व्यस्त नजर आएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में संभल कर रहना होगा। खास तौर से स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाला समय कमजोर रहेगा। पारिवारिक वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। आप अपने घर परिवार के साथ किसी भी पार्टी या पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। मित्रों के साथ मनोरंजक समय को व्यतीत करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव मत कीजिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। पिता की सेहत में गिरावट आने की संभावना बढ़ रही है। संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को अचानक किसी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। बेवजह का वाद विवाद हो सकता है और अचानक आपको कोई बुरी खबर मिलने की संभावना भी बन रही है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोगों से कहा सुनी हो सकती है। मानसिक तौर पर आप बहुत ही परेशान नजर आएंगे। आपको आत्मविश्वास के साथ चलना होगा। अपने मन में नकारात्मक विचार को बिल्कुल भी ना आने दें। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले दिनों में किसी गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है और बहुत से लोग आपके अच्छे व्यवहार का फायदा भी उठा सकते हैं। आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से आपको कोई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा। जोखिम और जमानत के कार्य को टालने की जरूरत है और आप किसी भी मामले का समाधान शांतिपूर्वक कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रह नक्षत्रों में हमेशा बदलाव होता रहता है और हमारे द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों की दशा और उनके परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल होती रहती है। हम आपकी राशियों के ऊपर ग्रहों के इन परिवर्तन की वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब की जानकारी आपको समय समय पर मुहैया कराते रहते हैं। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।